पोइम का नाम है रेन, क्लास सेकंड। द रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड, इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्री, इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेलास हियर एंड ऑन द शिप्स एट सी। ला 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 ला। The rain is raining all around, it falls on field and tree, it rains on the umbrellas here and on the ships at sea. The rain is raining all around, it falls on field and tree, it rains on the umbrellas here and on the ships at sea. The rain is raining all around, it falls on field and tree, it rains on the umbrellas here and on the ships at sea. La 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 la. Hello, this is Sesraj. Today we will learn one poem and the poem name is Rain from class 2 English Marigold. So let's know the summary of this poem. This poem is all about a rainy day, yani barish ka ek din hai, uske bare mein ye poem hai. The rain is falling everywhere, har jagah ho rahi hai. It is falling on fields and trees, pedon pe ho rahi hai, kheton mein ho rahi hai. It is falling on the umbrellas and also falling on the ships sailing in the sea. छाते के ऊपर हो रही है, अम्ब्रेले के ऊपर हो रही है, और जो जहाज है, जो समुद्र में जो जहाज चल रही है उसके ऊपर हो रही है, मतलब एवरीवेयर, हर जगह हो रही है ना। तो ये कविता जो है बारिश के एक दिन के बारे में है, सभी जगहों पर बारिश हो रही है, बारिश खेतों पेड़ पौधों पर हो रही है, बारिश छतरियों पर हो रही है, बारिश समुद्री जहाज़ों पर भी हो रही है, मतलब सब जगह बारिश हो रही है, एवरीवेयर, है ना। आपने पोइम सुनी, ला 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 ला। ठीक है, इस ट्यूनिंग के हिसाब से आपको ये पोइम याद करनी है, इसको गाना है। आइए पहले इस पोइम को पढ़ लेते हैं। देखिए, यूनिट नंबर 4, लेट्स रिसाइट दिस पोइम एंड द पोइम नेम इज रेन, RAIN। रेन का मतलब आपको पता है, बारिश, है ना। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं पोइम को। द रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड, इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्री, इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेलास हियर एंड ऑन द सीप्स एट द सी। द रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड, इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्री, इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेलास हियर एंड ऑन द सीप्स एट सी, है ना। ऐसे आप अगर याद करेंगे तो थोड़ा गाने की तरह लगेगा और आपको याद करने में भी इसको मजा आएगा। ठीक है, एक बार फिर सुनाऊँ आपको। ला 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 ला। द रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड, इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्री, इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेलास हियर एंड ऑन द शिप्स एट सी। केवल चार लाइन है इसमें यहाँ पे, है ना। रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड, बारिश जो है वो सब जगह हो रही है, हर तरफ हो रही है, एवरीवेयर। इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्री, खेतों में हो रही है, पेड़ों पे हो रही है बारिश, है ना। न्यू वर्ड्स में जाना था हमने, फील्ड का मतलब क्या होता है, ट्री का आपको पता है। इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेलास हियर, अम्ब्रेला UMBRELLA, अम्ब्रेला का मतलब छतरी होता है ना, जो बारिश में आप यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे अम्ब्रेलाज है, इसका मतलब कई सारे अम्ब्रेला है ना। तो छतरियों पे होती है बारिश एंड ऑन द शिप्स एट सी। शिप का मतलब आपको पता है जहाज होता है, ठीक है, जो WEPSH, है ना, SHWEP होता है, वो तो भेड़ होता है, वो एक एनिमल होता है, लेकिन SHIP इसका मतलब जहाज है, शिप्स का मतलब कई सारे जहाज़ जो समुद्र में जो चलती हैं ना, जहाज़ें जो बड़ी बोट होती हैं,
ठीक है। अब इसमें कुछ न्यू वर्ड्स हैं, जैसे फील्ड है, FIELD, फील्ड, ये बुक के न्यू वर्ड्स हैं, लेकिन हम पोएम में से आपको न्यू वर्ड्स बताएंगे इससे ज़्यादा। तो फील्ड हो गया, अम्ब्रेलाज हो गया, छतरियाँ, शिप्स हो गया, है ना, जहाज हो गई। इसमें से तो सिर्फ तीन न्यू वर्ड्स हैं, लेकिन हम आपको 5-6 न्यू वर्ड्स बताएंगे। तो पहला न्यू वर्ड है फील्ड, फील्ड का मतलब खेत, खेतों में बारिश होती है। अम्ब्रेलाज, छतरियों पे बारिश होती है, छाते जो होते हैं हमारे पास में, जो बारिश में हम यूज़ करते हैं छतरियाँ, धूप से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए। शिप, SHIPS, शिप्स का मतलब है जो पानी में चलती हैं, जहाज होती है ना, चलना उनमें कॉस्टली होता है थोड़ा, ठीक है। तो ये तीन इसमें न्यू वर्ड हैं। फिर इसमें क्वेश्चन आंसर है, तो हम आंसर लास्ट में जानेंगे बाद में, पहले इसमें हम क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर डज द रेन फॉल, बारिश कहाँ होती है। तो अभी हमने पढ़ी, चार लाइनें पढ़ी थी, उसमें पूरा आंसर दिया हुआ है। सेकेंड नंबर, व्हाट डू पीपल यूज़ व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है तो लोग क्या यूज़ करते हैं, किस चीज़ का यूज़ करते हैं, पता है आपको किस चीज़ का यूज़ करते हैं। व्हाट डू यू डू ऑन ए रेनी डे, बारिश के दिन में आप क्या करते हैं। हाउ डू यू कीप योर सेल्फ ड्राई इन द रेन, बारिश में आप अपने आप को सूखा कैसे रखते हैं। डू यू लाइक टू प्ले इन वाटर, क्या आप पानी में खेलना पसंद करते हो, जो बारिश का पानी होता है पसंद करते हो आप, इसमें ये सुनो आपको बताना है। से व्हाट थिंग्स लिव इन वाटर, कौन सी चीज़ें होती हैं जो पानी में रहती हैं, आपको उनका नाम बताना है ना। हमने पढ़े थे वाटर एनिमल्स पढ़े थे, है ना, तो उनका नाम आप लिख सकते हैं जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, सी एनिमल, एक्वेटिक एनिमल, वाटर एनिमल, ठीक है। तो ये इसमें कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे दो क्वेश्चन इसमें पहले हैं और उसके बाद में तीन चार क्वेश्चन इसमें और दिए गए हैं। तो आप भी यहाँ पे बता सकते हैं, हमने इस चैप्टर को जो है पढ़ लिया या पढ़ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर डज द रेन फॉल, बारिश कहाँ होती है, कहाँ कहाँ गिरती है बारिश, बता सकते हैं आप भी कहाँ गिरती है बारिश। तो बारिश जो है कोई इसका निश्चित जगह नहीं है, जहाँ मतलब हर जगह होती है, अगर होती है तो पेड़ पौधों पे होती है, खेतों में होती है ना, समुद्र में होती है, जहाज़ों पे होती है, अपने घरों पे होती है, छत के ऊपर होती है, बहुत सारी हर जगह होती है बारिश, ठीक है। अब आइए हम इनका आंसर कैसे लिखेंगे ये हम देख लेते हैं। पहले उसका जान लेते हैं एक बार हिंदी, और न्यू वर्ड्स जान लेते हैं कुछ। द रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड, इसका मतलब क्या है, बारिश चारों तरफ हो रही है ना। द रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड, रेन का मतलब है बारिश, रेनिंग का मतलब बारिश का होना, ठीक है। तो बारिश जो चारों तरफ हो रही है, कहाँ कहाँ, खेतों में हो रही है, पेड़ों पे हो रही है, इधर बारिश छतरी पर हो रही है, समुद्री जहाज़ों पर हो रही है ना। तो चार ही लाइन है इसमें, सिर्फ एक छोटी सी पोएम है। अब न्यू वर्ड्स आप देख लीजिए, इसमें पहला है ऑल अराउंड, ELLERO UND, ऑल अराउंड का मतलब है एवरीवेयर, यानी हर तरफ, पहली लाइन में आया लास्ट में ऑल अराउंड। दूसरा है फील्ड, FIELD, फील्ड का मतलब है पीस ऑफ लैंड यूज फॉर फार्मिंग, खेती का एक भूमि का टुकड़ा होता है जहाँ पे हम खेती करते हैं उसको बोलते हैं फील्ड। अम्ब्रेलाज का मतलब छतरी होता है जो बारिश से धूप से हमारी रक्षा करता है। शिप का मतलब है ए लार्ज साइज्ड बोट, SHIP, शिप, शिप का मतलब होता है एक बड़ी साइज की एक बोट होती है, नाव होती है, जिसको हम शिप बोलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू ऑन रेनी डे, बारिश के दिन में आप क्या करते हो, क्या करते हो बारिश के दिन में। तो यहाँ पे आई एंजॉय प्लेइंग इन रेन, बारिश में खेलना मुझे पसंद है। आई मेक ए पेपर बोट एंड सेल इट इन टू द वाटर, ये बच्चा बोल रहा है कि मैं पेपर बोट बनाता हूँ, पेपर की नाव बनाता हूँ। आपको भी बनानी आती होगी, है ना, मुझे भी बनानी आती है, पेपर की जो नाव बनाते हैं ना, पेपर की पैंट शर्ट आप बनाते हैं, नाव बनाते हैं, है ना, कैमरा आप बनाते हैं, उसकी उसका मेंढक भी बनाते हैं आप, तो कई सारी चीज़ें बनती हैं ना। तो पेपर की ये बच्चा बोल रहा है कि मुझे
अच्छा लगता है बारिश में, मैं पेपर बोट बना के फिर उसको पानी में तैराता हूँ। दूसरा है, हाउ डू कीप योर सेल्फ ड्राई इन द रेन, अपने आप को बारिश में आप सूखा रखने के लिए क्या करते हो। मतलब बारिश होती है तो हर तरफ जो है गीला हो जाता है ना, आपकी पोएम भी है हिंदी में, बहुत हुआ बादल भैया बहुत हुआ, है ना, बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात छुआ, जाएं कहाँ कहाँ पर खेलें, है ना। तो उसी हिसाब से ही वैसे ही ये पोएम है, मतलब पानी हर जगह हो गया है तो क्या करते हैं आप सूखा रखने के लिए। आई यूज़ अम्ब्रेला टू कीप माई सेल्फ ड्राई इन द रेन, यानी अगर मैं बारिश में बाहर जाता हूँ तो अम्ब्रेला मेरे साथ में रखता हूँ, और या फिर रेनकोट का यूज़ करता हूँ। तो उस प्रकार से अगर अम्ब्रेला हम रखेंगे, रेनकोट रखेंगे, तो बारिश में हम अपने आप को सूखा रख सकते हैं ना, भीगने से हम खुद को बचा सकते हैं। तो दो प्रश्न तो ये हो गए, पहला बारिश में आप क्या करते हो, तो बारिश में ये इन्जॉय करते हैं बच्चे, पेपर बोर्ड बनाते हैं। दूसरा, सूखा कैसे रखते हैं, तो सूखा रखने के लिए जब हम बारिश में बाहर जाएं तो छाता लेकर के जाएं या फिर रेनकोट का यूज़ करेंगे, तो बारिश में हम खुद को भीगने से बचा सकते हैं, है ना, यानी सूखा हम रख सकते हैं। क्या तुमने जो है बारिश की आवाज़ सुनी है? यस आई हैव हर्ड द साउंड ऑफ रेनफॉल, सुनी है बारिश की आवाज़, टिप टिप होती है या चलते हैं तो छप छप है, जो भी है टिप टिप बारिश की आवाज़ को हम बोलते हैं। फिर व्हाट साउंड डज द रेन मेक ऑन अम्ब्रेला, जब छतरी पे गिरती है तो कैसी आवाज़ आती है, जब हम जा रहे हैं छतरी लेके बाहर बारिश में और बारिश की जो बूंदें हैं छतरी पे गिरती हैं तो कैसी आवाज़ आती है। द रेन मेक्स ए साउंड ऑफ टिप 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 ऑन अम्ब्रेलास, है ना, अम्ब्रेले पे जब गिरती है तो टिप टिप की आवाज़ आती है। व्हाट साउंड डज द रेन मेक ऑन द लीव्स ऑफ द ट्रीज, पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं उन पे कैसी साउंड करती है बारिश की बूंदें, कैसी करती है। तो पेड़ पौधों की पत्तियाँ जो होती हैं उन पे कैसी आवाज़ करती है, तो द रेन मेक्स अ साउंड ऑफ टिप टिप टप टप ऑन द लीव्स, मतलब जो पेड़ की पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं उन पे टिप टिप की टप टप की आवाज़, टप टप की आवाज़ करती है बारिश की जब बूंदें गिरती है तो टप टप होता है, है ना। फिर है, व्हाट साउंड डज द रेन मेक ऑन योर विंडो, मेक दिस साउंड योर सेल्फ, तुम्हारे घर की जो खिड़की है उस पर जब बारिश पड़ती है तो कौन सी आवाज़ उत्पन्न होती है, ठीक है, तो उसमें अलग आवाज़ आती होगी, ठप ठप की आवाज़ आती होगी, ठीक है। अगर खिड़की लगी हुई है कांच की, उसमें कांच का है यूज़, तो उसमें अलग आवाज़ आएगी, अगर लकड़ी की है तो आवाज़ उसमें थोड़ी कम आएगी, क्यों। तो यहाँ पे ठप ठप की आवाज़ बताई गई है। द साउंड दैट रेन प्रोड्यूसेस ऑन द विंडो इज ठप ठप, ऐसी आवाज़ आती है जब खिड़की पर बारिश की बूंदें गिरती हैं। फिर नीचे है, कंप्लीट द स्टोरी, एज वन लिटिल वाइट क्लाउड फ्लोटेड इन द स्काई वन डे, अनदर लिटिल क्लाउड कॉल आउट कम लेट्स प्ले, है ना, एक स्टोरी इसकी बनानी है बादलों की, कि बादल आपस में जो है खेल रहे हैं, है ना, तो एक बादल है वो दूसरे बादल को बुलाता है कि लेट्स कम, मतलब कम लेट्स प्ले, आओ खेलते हैं साथ में, ठीक है। उसके बाद में देखिए, फिल इन द लेटर्स टू कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल, यूज द पिक्चर्स एज क्लू, नीचे दी गई जो पहेली है उसमें अक्षरों को पूरा करना है, और इसके लिए क्लूज़ के लिए हमें जो पिक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है, पहली जैसी पिक्चर है, तो एस एन ओ डब्ल्यू इसका मतलब है स्नो, है ना, बर्फ़ गिर रही है, बर्फ़बारी हो रही है। फिर विंड है, हवा, हवा चल रही है, ठीक है। फिर इधर देखिए, क्लाउड है, बादल की पिक्चर दी हुई ना, क्लाउड। फिर ऊपर बल्ब दिया हुआ है, लाइट बल्ब है, तो लाइट हो गया नीचे। फिर नीचे जो है डस्ट, है ना, गंदगी जो है, मिट्टी जो है। फिर हीट है, सूरज का पिक्चर दे रखा है यहाँ पे, हीट है या आग जल रही है यहाँ पे,
अच्छा आग जल रही है, उसका हीट होगा, गर्मी होगा। ऊपर जो सूरज की पिक्चर दे रखी है वहाँ पे सन है, सूरज है, और जो चांद की पिक्चर दे रखी है यहाँ राइट साइड में वो मून है ना, चंद्रमा, MOMWN मून। और स्टार जो है दे रखा है यहाँ पे, इस तो स्टार इसका हो गया यानी तारा। तो स्नो हो गया, विंड हो गया, क्लाउड हो गया, लाइट, हीट, डस्ट, है ना, स्टार, सन, मून, इस प्रकार से स्पेलिंग्स हो गई। पिक्चर देखकर के हम आइडिया लगा सकते हैं स्पेलिंग का। तो हमें स्नो की, चंद्रमा की, सूरज की, तारों की, बादल की पिक्चर हमें आने चाहिए। फिर नाउ लेबल द पिक्चर इन इंग्लिश, आपको पिक्चर दी गई है उनके सामने, आपको नाम लिखना है उनका। तो पहला क्या है, चंद्रमा है ना, चांद है, तो यहाँ पे मून हो जाएगा, MOON, मून का मतलब चांद, चंदा मामा, चंद्रमा। नेक्स्ट नंबर पे है सूरज, तो सूरज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सन बोलते हैं, SUN, सूरज। फिर तीन नंबर पे बादल की पिक्चर है, बादलों को क्या बोलते हैं, क्लाउड्स बोलते हैं, तो एक बादल है इसका मतलब क्लाउड। चार नंबर पे दे रखा है आपको स्टार, है ना, तो स्टार की स्पेलिंग STAR, स्टार का मतलब तारा, आकाश में आप देखते हैं। फिर उसके बाद में है रीडल टाइम, एक छोटी सी जो है पहेली है आपको बतानी है, मतलब मैं कौन हूँ आपको बताना है। आई गो अप एंड डाउन अलॉट, मैं ऊपर जाता हूँ नीचे भी जाता हूँ, वेदर इट इज़ कोल्ड और हॉट, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, समटाइम्स आई एम ऑन द ग्राउंड, कई बार मैं ग्राउंड पे रहता हूँ, अदर टाइम आई एम इन द क्लाउड्स, बाकी टाइम मैं बादलों में रहता हूँ, माई नेम राइम्स विद डॉटर, आई एम योर फ्रेंड नेम, मतलब डॉटर जो है इसके साथ में मेरा राइमिंग स्कीम है। मैं ऊपर जाता हूँ नीचे जाता हूँ, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कभी कभी मैं ग्राउंड पे रहता हूँ, कभी कभी मैं बादलों में रहता हूँ, और मेरा अगर नाम बोलेंगे तो डॉटर के साथ में मैच होगा। जैसे डॉटर, आप पिक्चर देख रहे हैं किस चीज़ की है, यस पानी की पिक्चर है, तो डॉटर वोटर, तो इस पहेली का आंसर होगा वोटर यानी पानी, है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड द पोएम नेम वॉज रेन, क्लास 2, यूनिट नंबर 4, इंग्लिश मेरीगोल्ड। ओके, थैंक यू सो मच।